आज के दौर में जो पहले का ट्रेंड था, जो ब्लैक बोर्ड पे अपन बच्चों को पढ़ाते थे, और आज का जो ट्रेंड है, जो स्मार्ट क्लासेस में भी क्लासेस लगती है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। यदि उसी ट्रेंड से आज अपन पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, तो बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टेक्नोशाला फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आप देख रहे हैं डिजिटल टीचर कहानी नामक शो। इस शो में हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से सर प्रताप सिंह जी। सर प्रताप सिंह जी अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरठवाड़ा में एक लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं सर प्रताप जी ने किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ना नमस्ते सर। ठीक हूँ सर, बिल्कुल। डिजिटल टीचर कहानी में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, बातचीत के शुरुआत में सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके की रही है। एक विद्यार्थी से एक शिक्षक का जो सफर है वो किस जी तरीके का रहा? बिल्कुल। मेरा नाम सर प्रताप सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री पूनम सिंह जी। हम सिरोही जिले के ऊतमण गांव में मैं पिताजी के साथ में रहता हूँ। और मेरे से बड़े मेरे एक भाई साहब है, एक मेरे से छोटा भाई है। हम सभी शादीशुदा है। और मेरे पिताजी पूर्व में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। तो उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट 1980 में लिया और वो घर पधारे, और हमारे जो पुश्तैनी हमारी जो जमीन थी, उन्होंने घर आकर कुआं खोदा। हम छोटे छोटे थे और उन्होंने हमें एजुकेशन दिलवाया। और मेरी प्रारंभिक स्तर तक की जो शिक्षा थी वो मेरे गांव में हुई। 8वीं तक मैं मेरे गांव में पढ़ा। कक्षा 9 और 10 तक की जो शिक्षा है, पड़ोसी गांव पालड़ी है, वहाँ हम गए। और 11th और 12th में मैं ब्लॉक हेडक्वार्टर का स्कूल था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवगंज, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। और मैंने विज्ञान विषय का चयन किया था और बायोलॉजी विषय लिया था। मेरे सैतान सिंह जी सर, जो मेरे प्रिय शिक्षक, आदर्श शिक्षक रहे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए। और आफ्टर 12th के बाद में मैं राजकीय माध्यम अपने गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया BSc में। और उसके बाद में मैंने BEd किया। और सन 2005 में मैं राजस्थान के शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर के पद पर मुझे नियुक्ति मिली। और मेरी पहली नियुक्ति तिथि नियुक्ति राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के गोगुंदा ब्लॉक में राजकीय माध्यमिक विद्यालय रावलिया कला में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर मुझे अपॉइंटमेंट मिला। और 17/9/2005 को मैंने वहाँ पर इस पद के लिए मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ से मेरा ये एजुकेशन में जो है शिक्षा का सफ़र है वो शुरू हुआ। लगभग 13 वर्षों का मेरा अनुभव है विज्ञान विषय को पढ़ाने का, और साइंस विषय मेरा इंटरेस्टिंग विषय है मेरा। साइंस विषय को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने किस तरीके के इनिशिएटिव लिए कक्षा में? कक्षा में मेरा ये विज्ञान पढ़ाने का लंबा एक सफर रहा है। तो मैं जब ये टीचिंग में आया, तब से मैं जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को मैं पहले रीड करता, और उसके अलावा उसमें जो टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या दिया हुआ है, वो भी मैं देखता। और उसमें से साइड जो एक्स्ट्रा जो बुक होती थी उनको भी मैं लाता था, और उसको मिला के पूरा मैं मेरा कंटेंट तैयार करता था। उसके बाद में मैं स्टूडेंट के सामने रखता था, और जो बिल्कुल ही फेमिलियर भाव से, मतलब फेमिलियर होके बच्चों को वो टॉपिक में पढ़ाता था बोर्ड के ऊपर। और विशेषकर उस टाइम जब मैंने ये टीचिंग स्टार्ट की, उस समय ICT या टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और मैं भी बिल्कुल अनभिज्ञ था। तो उस टाइम हम कलर्ड चॉक से बायोलॉजी के चित्र बनाते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको नोमेनक्लेचर करते थे, और बच्चों को हर तरीके से पूरा पहले उस डायग्राम के माध्यम से उस स्ट्रक्चर को समझा दिया जाता था, और फिर उनमें शॉर्ट वे में मैं उनको नोट्स बना के इस तरह से विज्ञान के प्रति मैंने उनकी रुचि जागृत की। और मेरे पीरियड का वो बेसब्री से इंतजार करते थे कि बायोलॉजी वाले सर कब आए पढ़ाने के लिए। जी हम जानना चाहेंगे कि
आपने विज्ञान में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कैसे टेक्नोलॉजी ने आपकी मदद की? बिल्कुल सर, मैं 2008 में उदयपुर डिवीजन से ट्रांसफर होके जोधपुर डिवीजन में सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अर्टवाड़ विद्यालय में मैं आया। उस टाइम टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी और विद्यालय में जो आईसीटी फेज के जो कंप्यूटर थे वो भी उपलब्ध नहीं थे, वो हमारे विद्यालय में 2011 में आए। तो उस दरमियान 2009 में मैंने एक लैपटॉप खरीदा था, आज भी वो मेरे पास में पड़ा है। वो लैपटॉप मैं इतना मतलब आईसीटी फ्रेंडली नहीं था उस टाइम, मैं उसको ऑन ऑफ कर सकता था और थोड़ा बहुत काम कर सकता था। तो धीरे धीरे मैंने उसमें वो काम करना सीखा और सबसे पहले मैंने पावर पॉइंट जो है वो और पेंट्स है उस पे काम करना सीखा। तो पावर पॉइंट पे मैंने मेरी खुद की स्लाइडें बनाई और खुद की स्लाइड बना के उस टाइम प्रोजेक्टर हुआ करते थे, वो उसको स्लाइड ऊपर रखते थे और ऊपर से लाइट गिरती थी और आगे पर्दे पे बड़ा चित्र आता था। उस तरह की स्लाइडें बना के मैंने मेरे जो कुछ जो सारे तो उस समय पॉसिबल नहीं थे, कुछ जो हार्ड टॉपिक थे उनको मैंने इस तरह से तैयार करके बच्चों के सामने विजुलाइज किया और उनको पढ़ाया। और वहां से मैंने ये मतलब मेरी इनिशियल स्टेज को टेक्निक की या आईसीटी की क्लास के अंदर वहां से शुरू किया। उसके बाद में 2011 के अंदर हमारे विद्यालय में ये आईसीटी सेकेंड फेज का हमारा विद्यालय है, तो वो 10 लैपटॉप कंप्यूटर आए थे। उस टाइम वो लैब पूरी अरेंज की गई, उसमें एक प्रोजेक्टर भी आया था। और उस टाइम मैं लैपटॉप पे चूंकि काम करता था और माउस पे मैंने पहली बार काम किया था उस टाइम, माउस पकड़ के जो भी है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसमें एक इंस्टॉल गेम था पत्तों का, वो खेला था और थोड़ा हमारा जो प्रैक्टिस है माउस को घुमाने की वगैरह वो सीखी हमने। और धीरे 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 आईसीटी में और इक्विपमेंट आते गए और डिस्प्ले बोर्ड आया जो स्मार्ट क्लास के अंदर होता है वो आया। वो आने के बाद में फिर हमारा इसमें एक जो नया सफर है वो शुरू हुआ। आपकी जो शुरुआत माउस से गेम खेलने से हुई, जी और वहां से लेके आज आप क्या क्या कर पाते हैं क्लासरूम में, किस तरीके से जी आप? आज प्रेजेंट के अंदर सर मैं मेरे खुद के बनाए जो डिजिटल कंटेंट है जो राजस्थान की विज्ञान की बुक में QR कोड से लिंक किए हुए हैं, तो वो कंटेंट तो मैं उनको पढ़ाता ही हूँ और मेरे साथियों के द्वारा तैयार किए हुए कंटेंट है वो भी मैं बताता हूँ। इसके अलावा साइंस और ज्योग्राफी को और मो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ जो सॉफ्टवेयर है वो मैं यूज़ करता हूँ। मान लीजिए मुझे अर्थ के बारे में बताना है, तो एक अर्थ है या स्पेस हेवनली बॉडीज है, तो सेल्सिया नाम का एक सॉफ्टवेयर है वो मैं यूज करता हूँ। और साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना है तो PHET नाम का एक सॉफ्टवेयर है वो यूज करता हूँ। और उसमें मान लीजिए pH के बारे में बताना है तो कौन सा लिक्विड कितने pH का होगा, कैसा उसका रंग टर्न होगा, तो वो मैं सॉफ्टवेयर बच्चों के सामने खोल के उनको वो बता देता हूँ कि ये इस तरह से ये बेसिक होगा, इस तरह से ये एसिडिक होगा और यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज होगा। तो इस तरह से जो ये प्रेजेंट में जो नए नए सॉफ्टवेयर जो मैंने विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप के माध्यम से ये सीखे और वहाँ तक मेरी पहुँच बनी, तो वो मैं विद्यार्थियों तक अभी मैं ला रहा हूँ क्लास के अंदर। पहले के क्लासरूम में और आज के क्लासरूम में क्या अंतर दिख रहा है, प्लस बच्चों के सीखने में क्या बदलाव आया है, उसके बारे में अगर आप बताओ। मैं ये बताना चाहूँगा इसमें, यदि अपन आज के दौर में जो पहले का ट्रेंड था जो ब्लैक बोर्ड पे अपन बच्चों को पढ़ाते थे और आज का जो ट्रेंड है जो स्मार्ट क्लासेस में भी क्लासेस लगती है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। यदि उसी ट्रेंड से आज अपन पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा और बच्चे उस टॉपिक की तरफ उस कंटेंट की तरफ बहुत कम ध्यान देंगे। जबकि वही कंटेंट अपन स्मार्ट क्लास में पढ़ाएंगे और तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर है या तरह तरह के अपने पास में कंटेंट है वीडियो है उनके माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से ऑडियो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से, तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, उसका ध्यान ब्लैक मतलब डिस्प्ले बोर्ड की तरफ रहेगा और जो भी बात होगी वो ध्यान से देखेगा समझेगा और उसका वो टॉपिक है वो
बेटर साउंड रहेगा उसका। लेकिन जी सर एक सवाल और आ जाता है कि जब अपन डिजिटल कंटेंट को काम में लेते हैं कक्षा में, तो जी कक्षा जी में जरूरी नहीं है कि एक स्तर के बच्चे हों, अलग अलग स्तर के बच्चे भी हर कक्षा में बिल्कुल होते हैं, लेवल अलग अलग बिल्कुल सर, होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। उस स्थिति में डिजिटल कंटेंट बच्चों के लिए कैसे लाभकारी होता है और उस स्थिति में शिक्षक का क्या रोल है? अब उसमें हर लेवल के स्टूडेंट होते हैं, तो मोस्टली जो हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं वो तुरंत ही या समझ जाते हैं कि इसमें क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और जो एवरेज या मीडियम लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको उस टॉपिक को समझाने के लिए अपन थोड़ी देर उस वीडियो को, एनिमेशन को रोक देंगे और थोड़ा सा वहाँ अपन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हो सकता है साइड में अपन ब्लैक बोर्ड भी रख लें और उसको वहाँ अपने तरीके से उसको और थोड़ा इजी वे में करके उस जो लो लेवल के बच्चे हैं उनको थोड़ा अप करें और उनको समझाने का प्रयास करें। इस तरह से इनको मतलब सबको एक लेवल में लेके अपन डिजिटल क्लास को आगे ले जा सकते हैं। सर एक एक धारणा जो सुनने को बार बार में मिलती है कि अगर बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके से प्रयोग में आने लग गई, खासकर अभी कोरोना काल में तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बिल्कुल बड़ा निभाया है, बहुत बड़ा। जी, तो क्या टेक्नोलॉजी है वो शिक्षक का स्थान ले लेगी? क्या लगता है आपको? सर केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं चल सकता, टीचर्स की भूमिका तो अहम होगी। बिना टीचर्स के टेक्नोलॉजी भी सफल नहीं होगी, सक्सेस नहीं हो पाएगी। बहुत से ऐसे दौर आएंगे जिसमें स्टूडेंट डिजिटल कंटेंट देख रहा है, बाकी कुछ ऐसी स्थिति आएगी कि वो उसकी समझ से परे होगी और उनको क्लेरिफाई करने के लिए टीचर्स की जरूरत होगी। और मेरे ख्याल से टीचर्स की अहम भूमिका है। यदि आईसीटी हाई लेवल का भी क्यों न हो, परंतु टीचर्स की भूमिका तो अहम रहेगी और टीचर्स की जरूरत महती आवश्यकता रहेगी। तो सर जब आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे तो आपको जी व्यक्तिगत तौर पे किस तरीके के चैलेंज आए और आपने अपने आप को किस तरीके से इसके काबिल बनाया कि आपने माउस जी सर चलाने से लेके इतना कंटेंट बनाने का काम किया है, और जी वो सिर्फ आपके ही स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, वो पूरे जी राज्य के बच्चों के काम में आ रहा है आज, तो आपको जी खुद सर को चैलेंज महसूस हुए? सब जब मैंने इसमें शुरुआत की उस टाइम सबसे बड़ी आवश्यकता अपने कमी नजर आई या परेशानी आपको, तो उस टाइम लैब नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, संसाधन नहीं थे, ये पहली बात। उसके बाद में संसाधन भी आ गए, जैसे आईआईसीटी सेकेंड फेज में हमारे विद्यालय में कंप्यूटर आ गए तो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई। और इंटरनेट भी आ गया तो इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम आ गई, 2G स्पीड के जो डाटाज है वो आते थे। और हमारी या जो लैब है और जहाँ हमारा कंप्यूटर का अपने टेलीफोन का कनेक्शन था, वहाँ से लगभग 200 मीटर दूर लैब थी, तो लैब के अंदर इंटरनेट ना के बराबर था। और एक समय हमारे पास में फोन भी पहले 2G टाइप के थे, एंड्रॉयड सिस्टम नहीं थे, 4G 3G नहीं थे, तो 2G से हम इंटरनेट या डाटा काम में लेके कंप्यूटर को ओपन करके वो काम चलाते थे। तो बहुत सारी समस्याएं आई हमारे सामने, परंतु धीरे धीरे जैसे 2G से 3G, 3G से 4G युग आता गया, टाइम आता गया, तो उसमें हमारे लिए भी सहूलियत हुई और कंटेंट को अच्छे तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार कर बच्चों के सामने प्रस्तुत करने में ये सहयोगी रहा। तो जी सर आपका सफर तो काफी चैलेंजिंग रहा है और आपकी जी सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा जारी रही है, तो आप अपने शिक्षक बिल्कुल साथियों सर, को आप अपने शिक्षक साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप अपनी जर्नी से? मैं मेरे शिक्षक साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला समय है, बोर्ड पूरा आईसीटी फ्रेंडली है, टेक्निकल फ्रेंडली है, तो अपन को इससे तो वाकिफ होना ही है। तो मेरा संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचिंग में
अपन आईसीटी को यूज करेंगे तो आने वाले भविष्य में अपन बच्चों के सामने कुछ अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं उनको आईसीटी फ्रेंडली होने के लिए मैं संदेश दूंगा सर। सर आपकी इस सफर में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? उपलब्धियां सर मैं बताऊं तो मतलब ये मेरा 2011 के बाद का जो सेवा का काल है बहुत अच्छा रहा है। और हम चलो स्कूल लेवल पे जो कंप्यूटर थे उसमें अपन काम करके मतलब ये क्या नाम पावर पॉइंट से स्लाइड बनाना वगैरह और बच्चों के सामने प्रस्तुत करना ये सीमित था। मैं 2015 में हमारे 16 में हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे रोहित जी बिष्ट, वो आईसीटी फ्रेंडली टीचर थे और वो आईसीटी की ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने की हुई थी और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट देखा। मैं साला दर्पण प्रभारी भी हूँ, मैं स्कूल का साला दर्पण का पूरा कार्य मैं ही संभालता हूँ। तो सर ने देखा मैं मेरा काम का ही देखा तो एक बार कोई ऐसा मेल आया हुआ था जो यही जो दीक्षा वाला, तो उन्होंने मुझे बताया कि एसपी सर ये एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होने जा रही है, आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आपका मैं नाम भेजता हूँ। तो उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया और फिर मैं उस वर्कशॉप में पार्ट लेने के लिए जयपुर गया और वहाँ ये सारे जो अब हमारी टीम है वो लोग मिले और मैंने पहली वर्कशॉप गणगौरी बाजार में बालिका विद्यालय जयपुर की वहाँ हमने ये अटेंड की। और हमको जो मास्टर ट्रेनर मिले थे एक आंध्रा से थे, बेंगलोर से थे और दिल्ली से थे और उन्होंने हमको ये QR कोड के बारे में और ये हार्ड टॉपिक के बारे में पूरा बताया, कैसे इसको स्लाइड करना है, कैसे इसको डिजिटल बनाना है, किस क्या क्या इसमें वीडियो लगाने, ऑडियो लगाने, एनिमेशंस लगाने हैं। तो इस तरह से हमारी ये 2-3 वर्कशॉप हुई, उससे मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और हम लोगों ने 3 साल तक सर इसमें काम किया और मैंने कक्षा 10th की साइंस में काम किया और मेरे 30 कंटेंट्स जो है वो आज भी राजस्थान की विज्ञान की बुक में QR कोड से लिंक किए हुए हैं। तो वहाँ से ये हमारा सफ़र हुआ और मेरा इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मैं आगे से आगे नया से नया करना इसमें मेरी जिज्ञासा रही। और इसी सफ़र के दौरान मुझे एक नॉर्थ इंडिया लेवल की एक बड़ी ICT ट्रेनिंग करने को मिली जिसमें ये NCERT ये ऑर्गेनाइज करवाती है और RIE अजमेर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर के अंदर वो ट्रेनिंग हुई जिसमें 9 स्टेट के टीचर्स ने पार्ट लिया जिसमें हम राजस्थान से 5-6 जने थे। तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, ये जो जितने भी मैंने अभी सॉफ्टवेयर के जो नाम लिए वो सारे सॉफ्टवेयर वहाँ हमारे सामने आए और हमारे लिए एक नया अनुभव था। और वहाँ जो हमको जो रिसोर्स पर्सन मिले वो इंडिया लेवल के मतलब बहुत टैलेंटेड और ICT में मतलब आपको कि बहुत होशियार लोग थे। उसमें एक मामूर अली जी है, रश्मि कतुरिया जी मैडम है, ये पतंजलि शर्मा मैडम है, दीपक बिस्ला सर है, आनंद आर्य सर है। इन लोगों ने हमको तरह तरह के कम से कम 60-70 सॉफ्टवेयर के बारे में 6 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हमको ये बताया और खूब सारे हमने सॉफ्टवेयर सीखे। और उन ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने एक मेरा मोबाइल ऐप तैयार किया और वो मेरा मोबाइल ऐप आज मेरे विद्यालय के बच्चों के पास में, विद्यार्थियों के पास में, जिले के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास में वो ऐप है। और उस ऐप में वो सारे मैंने प्लेटफॉर्म उन बच्चों को दिए हैं जहाँ से जाके वो अपना कंटेंट इजी वे में वो ढूंढ ले और जो भी उसको क्योरीज है वो आसानी से उसको वहाँ से सॉल्व कर ले और वो कंटेंट इजी वे में पढ़ सके। ऐसा मैंने एक वो ऐप बनाया और सारे वो कंटेंट एक ही जगह मैंने बनाकर दिया। तो वो मेरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इससे भी बड़ी एक उपलब्धि मैं आपको बताऊं, दीक्षा के माध्यम से ये हमको मिली, अमेरिका USA की एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लर्न जैवलिना, उसकी वर्कशॉप हुई थी 3 दिन की न्यू दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। तो हम राजस्थान से 4 जने गए थे, 4 लोग गए थे, उसमें मैं भी एक था। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। उसमें उस वर्कशॉप के अंदर पूरे इंडिया लेवल के सिलेक्टेड टीचर्स आए थे और वहाँ हमने 3 दिन तक वो उनके USA के अंदर किस तरह से डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं और बच्चों तक किस तरह से पहुँचाते हैं और दीक्षा कैसे काम करता है उसका कंपेरिजन हम लोगों को बताया था और नई बात सिखाई थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है और इस कार्य के लिए मुझे स्टेट लेवल पर सम्मान प्राप्त हो चुका है।
जो हमारे शासन सचिव महोदय थे नरेश पाल गंगवार महोदय, उनके द्वारा हमको सम्मान मिला। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर महोदय के माध्यम से शिक्षक दिवस पे और संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त के हाथों से भी सम्मान प्राप्त हो चुका है इस कार्य के लिए। सर, मुझे हर तरह का जो सम्मान है वो भी इसके पीछे मुझे मिला, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस कार्य के लिए। और आगे से आगे और नया क्या करूँ, ये मेरी जिज्ञासा है। और मैं सीखता रहता हूँ, जहां से भी कोई नई चीज मिले मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ इसमें। सर, डिजिटल टीचर कहानी का और भी शिक्षक साथी आपको क्या लगता है, कौन हिस्सा बन सकता है? आपके दिमाग में किन दो लोगों के नाम आ रहे हैं अभी? सर, इससे पहले मैं दो लाइनें बोलना चाह रहा हूँ, फिर मैं ना उनका नाम बता दूंगा। दो लाइनें बोल रहा हूँ मैं सर। मतलब उन लोगों के लिए और मेरे लिए भी, कि आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत कठिन है, तो दो लाइनें बोल रहा हूँ। मत फिक्र करो इस जमाने की, मत फिक्र करो इस जमाने की, इसे तो आदत है कुछ न कुछ सुनाने की। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, देखना फिजूल है, देखना फिजूल है कद आसमान का। तो अब उनको इसमें क्षेत्र में अब एंट्री मारी ली है अपन ने, तो आगे क्या परेशानियां आ रही है उनसे कोई डरना नहीं है और नए से नया सीखना है। जी, मैं नाम इस में कड़ी में आगे लेना चाहूंगा। एक मेरे मित्र है श्याम प्रताप सिंह जी, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है और आईसीटी में बहुत ही हाई लेवल का आप उनको कहो तो उनके पास में नॉलेज है। तो उनके जो खुद के द्वारा बनाए गए पावर पॉइंट के जो कंटेंट है वो सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर के आगे भी फीके पड़ते हैं, तो मैं उनका कायल हूँ, तो मैं उनका नाम सजेस्ट करूँगा। और एक मेरे शिक्षक साथी है, सब्जेक्ट मेटी है, संदीप जी शर्मा, संदीप जांगिड़, उनका मैं नाम सजेस्ट करूंगा और इस कार्यक्रम के लिए। और इसी के साथ मैं एक और मेरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ। मैंने जी सर, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर मोस्टली डायग्राम को वेटेज ज्यादा दिया जाता है, डायग्राम। तो मैंने ह्यूमन सिस्टम के सारे डायग्राम डिजिटलाइज किए, और डिजिटलाइज करने के बाद जो हमारी साइंस की 10th की जो बुक अभी चल रही है प्रेजेंट में, उसके महत्वपूर्ण बिंदु पे एक क्यूआर कोड लगाया, उसमें वो उनको लिंक कर दिया गया है। साथ ही मैं मेरा एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और उस यूट्यूब चैनल पे उन सारे वीडियोज को मैंने अपलोड कर दिया है, और मेरे राजस्थान के बच्चे, मेरे जिले के बच्चे और मेरे विद्यालय के बच्चे उनको देखते हैं और डायग्राम को इजी तरीके से कैसे बनाएं वो इजी वे में सीख कर बना सकते हैं, और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं। और हर वर्ष एक न एक डायग्राम बोर्ड की एग्जाम में आता है और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बच्चे ले रहे हैं। ये मेरी बात एक और थी जो मैं कहना भूल गया था। धन्यवाद सर। अभी हमने सुना है एसपी सर से कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। इसी तरीके की और भी कहानियां सुनने के लिए टेक्नोशाला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो बनिए डिजिटल टीचर कहानी का हिस्सा। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।